ड्यूक 390 लॉन्च करके KTM नहीं रुकी है, उन्होंने नई सुपर ड्यूक आर भी लॉन्च कर दी है विद अ मोर पावरफुल इंजन। वैसे सुपर ड्यूक आर इंडिया में लॉन्च तो नहीं हुई है, बट सुपर ड्यूक आर इज क्वाइट अ मशीन। लेकिन आज के वीडियो में हम उसकी स्पेकशीट नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इसके बारे में जानते वक्त मुझे इसका एक ऐसा फीचर मिल गया है जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज इट इज यूनिक एंड पॉसिबली न्यू इन मोटरसाइकिल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स सस्पेंशन सिस्टम, क्योंकि KTM ने अपने सुपर ड्यूक आर में सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम यूज किया है, जो एक्चुअली मोटरसाइकिल्स में नया नहीं है। काफी सारे मोटरसाइकिल्स में ये सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन जो मेथड इन्होंने यूज की है फॉर अचीविंग द सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम फॉर द न्यू सुपर ड्यूक आर इज एक्चुअली प्रिटी यूनिक, और उसकी बात करना जरूरी है। हर व्हीकल के सस्पेंशन सिस्टम में दो पार्ट्स कॉमन होते हैं, एक तो स्प्रिंग और दूसरा शॉक एब्जॉर्बर। ऑफ कोर्स इनके साथ दूसरे भी लिंक्स होते हैं, लाइक अ स्विंग आर्म इन केस ऑफ मोटरसाइकिल्स। लेकिन शॉक एब्जॉर्बर्स के बिना स्प्रिंग का कोई मतलब नहीं होता सस्पेंशन सिस्टम में, क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग यूज करने की वजह से बाइक हमेशा उछलती रहेगी और वो हमसे हैंडल बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए हर व्हीकल के सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग्स के साथ एक शॉक एब्जॉर्बर को लगाया जाता है, जो स्प्रिंग की एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाइक को उछलने नहीं देता और वो तुरंत हैंडल हो जाती है। और KTM का WP सस्पेंशन सिस्टम्स के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, और KTM ने अपने सुपर एडवेंचर में यूज किए गए सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम को अपने सुपर ड्यूक आर में भी यूज किया है, विच इज ऑफ कोर्स मेड बाय WP सस्पेंशन। सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम, जिसे हम एडाप्टिव सस्पेंशन सिस्टम भी कहते हैं, इसमें सस्पेंशन की स्टिफनेस को ऑन द गो चेंज किया जाता है बेस्ड ऑन द राइड मोड्स। लेकिन सस्पेंशन सिस्टम की स्टिफनेस चेंज होगी कैसे? एंड दैट्स बाय चेंजिंग द डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर, और ये सिर्फ एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर में पॉसिबल है। एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर में पिस्टन में दिए गए ओरिफिस के डायमीटर को चेंज करके उसकी डैम्पिंग कोएफिशिएंट को चेंज किया जा सकता है। बेसिकली हम उसे या तो सॉफ्ट बना सकते हैं या फिर स्टिफ बना सकते हैं। और इन ओरिफिस के डायमीटर में से कितना ऑयल फ्लो होगा, बेसिकली वो ऑयल कितना फास्ट फ्लो होगा या फिर वो कितना स्लो फ्लो होगा, इसके बेसिस पे शॉक एब्जॉर्बर की स्टिफनेस डिफाइन होगी। व्हेन द शॉक एब्जॉर्बर इज कंप्रेस्ड एंड द पिस्टन मूव्स थ्रू इट्स स्ट्रोक लेंथ। मेजॉरिटी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स में, इवन KTM ने अपने 390cc के बाइक्स में एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स दिए हैं, जिनमें इन नॉब्स को रोटेट करके उनको सॉफ्ट या फिर स्टिफ बनाया जा सकता है। लेकिन ये सेमी एक्टिव सस्पेंशन बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें बाइक को रोक कर खुद हाथ से इन नॉब्स को रोटेट करके फिर सस्पेंशन सिस्टम की स्टिफनेस को चेंज करेंगे। और अगर इसे सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इन्हीं नॉब्स को इलेक्ट्रॉनिकली घुमाना पड़ेगा, बेसिकली बाय यूजिंग अ सर्वो मोटर, जो इन नॉब्स को इलेक्ट्रॉनिकली घुमाकर शॉक एब्जॉर्बर को स्टिफ या फिर सॉफ्ट कर सकता है। बट दैट्स नॉट द ओनली वे टू चेंज द शॉक एब्जॉर्बर स्टिफनेस, एक और तरीका है, बाय यूजिंग मैग्नेटोरियोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर्स। अब मैग्नेटोरियोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर्स का वर्किंग पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इनके ऑयल में फेरस मटेरियल के माइनर पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है और इसके पिस्टन के ओरिफिस के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेट को देकर उसकी मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके इस शॉक एब्जॉर्बर की स्टिफनेस को चेंज कर सकते हैं। और ये सब कुछ मैंने अपनी बुक में काफी डीपली कवर किया है, और इसीलिए मैं इन सब के बारे में इस वीडियो में डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको जरूर जानना चाहिए बाय रीडिंग माय बुक। अब ये शॉक एब्जॉर्बर की स्टिफनेस को चेंज करने के दो तरीके हो गए, लेकिन WP ने इनमें से एक भी तरीका यूज नहीं किया है फॉर द सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम ऑफ द सुपर ड्यूक आर। WP वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स एंड हैज यूज्ड समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक वाल्स फॉर चेंजिंग द स्टिफनेस ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर्स। और ये पढ़ के मैं खुद चौंक गया था, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है, और इसीलिए मैंने ये गूगल किया टू सी व्हाट्स न्यू अबाउट दिस, और मुझे ये पेटेंट मिला एंड इट ब्लू माई माइंड, बिकॉज इट इज अ जेम ऑफ अ टेक्नोलॉजी। इस टाइप के शॉक एब्जॉर्बर्स में पिस्टन में यूज किए गए ओरिफिसेस में, विच आर बेसिकली वन वे वाल्व्स, इनमें से कितना ऑयल फ्लो होना चाहिए ये कंट्रोल करने के लिए ये वाल्व रीड के ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर ये वाल्व रीड ज्यादा ओपन हुआ तो ऑयल इजीली फ्लो करेगा, विच विल मेक द शॉक एब्जॉर्बर सॉफ्ट। लेकिन अगर ये वाल्व रीड कम ओपन हुआ, देन इट विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ऑयल एंड मेक द शॉक एब्जॉर्बर स्टिफ। और ये वाल रीड कितना ओपन होना चाहिए ये कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए गए हैं, और वाल रीड को फेरस मटेरियल का बनाया है, बेसिकली आयरन का बनाया है, विच गेट्स इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स।
और इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके उसके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करके या फिर बढ़ाकर वाल रीड के ओपनिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी है कि WB और KTM ने ये कभी पब्लिकली रिवील ही नहीं किया है कि उनके सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम में यूज किए गए ये मैग्नेटिक वाल्स किस तरह से वर्क करते हैं। बट ये तो पक्का है कि वो मैग्नेट और रियोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर्स बिल्कुल नहीं यूज कर रहे, बिकॉज उसके लिए पूरी तरह से अलग तरह का ऑयल यूज करना पड़ेगा। और डेफिनेटली वो पिस्टन के ओरिफिस के डायमीटर को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल सिस्टम यूज होती है। एंड दिस वुड बी द बेस्ट सिस्टम टू यूज फॉर एडजस्टिंग द शॉक एब्जॉर्बर स्टिफनेस। और KTM और WP जानबूझ के इनकी टेक्नोलॉजी को बाहर पब्लिकली रिवील नहीं करेंगे, और इसी सिस्टम की वजह से KTM के शॉक एब्जॉर्बर की स्टिफनेस इतनी तेजी से बढ़ सकती है कि फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने पर उसका एंटी डाइव फीचर बढ़ जाएगा, विच इज डेफिनेटली अमेजिंग। लेकिन सिर्फ WP ही ऐसी एक कंपनी नहीं है जो इतने क्रेजी शॉक एब्जॉर्बर्स बनाते हैं। एक और ऐसी कंपनी है जो अपने शॉक एब्जॉर्बर्स में कंप्रेस एयर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉइल स्प्रिंग्स। मैं बात कर रहा हूँ फॉक्स शॉक्स की, जिनके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे अभी तुरंत क्लिक करके जानना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। और हाँ, यहाँ क्लिक करके बुक जरूर लेना और पढ़ना टू लर्न मोर अबाउट शॉक एब्जॉर्बर्स।